नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, श्री करणी एकेडमी एंड एजुटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत, सभी का अभिनंदन। प्यारे विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे हमारा अध्याय चतुर्थ, जिसमें इस्लाम के उदय के बारे में हम बात कर रहे थे। हमने देखा था कि किस तरह से है एक नए धर्म का उदय होता है, जिसका नाम था इस्लाम धर्म। क्या था? इस्लाम धर्म, जिनका उदय होता है। और इसका जो उदय होता है वो उसमें कालखंड बताया गया है कि साहब 570 ईस्वी के अंतर्गत हम देखेंगे कि पैगंबर मोहम्मद साहब का है वो जन्म हुआ, और पैगंबर मोहम्मद साहब ने बाद में इस्लाम नामक एक नया धर्म है वो स्थापित करने का है वो कार्य किया। और जो ये इस्लाम धर्म है, इस्लाम धर्म किस तरह से अरब क्षेत्र में पनपा और पनपने के बाद विश्व के अनेक भागों में है वो इसके विस्तारित होने का है वो काम किया। चाहे इस्लाम धर्म यूरोप में विस्तृत हुआ हो, चाहे या फिर आप देखोगे कि एशिया के अंतर्गत है वो इसका, या अफ्रीका में विस्तारित होने का काम है वो इस्लाम धर्म है वो कर रहा है। और इस्लाम धर्म के उदय के बारे में है वो मैंने आपको पूर्व जो हमारी कालांश हुई थी उसमें मैंने बताया था कि पैगंबर मोहम्मद साहब जिनका जन्म है वो 570 ईस्वी में है, वो मक्का के कुरैशी कबीले में उनका जन्म हुआ था। कुरैशी कबीले में जन्म हुआ, उसके बाद में है वो जाके इन्होंने एक नव जो धर्म स्थापना का काम करते हैं। इस्लाम की एकेश्वरवादिता में है वो विश्वास करते हैं, और इन्होंने मूर्ति पूजा का इनका विरोध किया कि वास्तव में है वो ईश्वर है, वो कण कण में व्याप्त है, ईश्वर है वो मूर्ति में कुछ भी नहीं रखा हुआ। और आगे जाकर हम देखते हैं कि किस तरह से पैगंबर मोहम्मद जैसा व्यक्ति है वह वहां पर ऐसे लोग जो व्यापार में जिनकी कम भूमिका थी, या फिर है धर्म स्थलों के अंतर्गत जिनकी कम भूमिका थी, उन लोगों को एकत्रित करके है वो मुसलमान बनाने का काम किया। एक समाज के रूप में है वो स्थापित करने का काम किया, एक व्यवस्थित समाज स्थापित उन्होंने किया, और कहा कि अल्लाह है वो एक है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। साथ ही पैगंबर साहब ने यह भी बताया कि मुझे है वो अल्लाह ने अपने जो दूत के दूत बनाकर है वो मुझे भेजा है, ताकि आप लोगों को मैं हो वह अल्लाह के बारे में बता सकूं। और इस तरह से उन्होंने अपने आप को है कहा कि मुझे अल्लाह ने है और जिब्रील के द्वारा ये कहकर भेजा है कि जाओ और तुम है इन सभी को एक करो और एक व्यवस्थित समाज की स्थापना करो। और साथ ही साथ ये जो पूजा पद्धतियां, मंदिर, ये जो मस्जिद वगैरह, इनमें कुछ भी नहीं रखा है, और एक एकेश्वरवादी ईश्वर की है वो आप प्रार्थना करो। और हम देखते हैं कि जब एक बात होती है प्यारे बच्चों कि जब जब परिवर्तन होता है तो परिवर्तन को उस समय के लोग उसको स्वीकार नहीं करते। परिवर्तन होगा, परिवर्तन का लोग विरोध करेंगे, और विरोध के बाद में आप देखोगे जो है इनकी असंतोष की भावना है वो चरम शिखर पर पहुंचती है, और फिर उसको है वो स्वीकार करेंगे। यही पैगंबर साहब के साथ हुआ। पैगंबर साहब ने कहा कि अल्लाह एक है, ये कुछ भी नहीं है धर्म स्थलों में, तब पैगंबर साहब को है वो लट लेके लोग पीछे पड़े कि आप यहां से निकल जाओ, आप तो हमारे विरोध में है वो काम करो। ऐसा वहां के जो धनी लोग थे, व्यापारी लोग थे, और जो धर्मांत लोग थे, उन लोगों ने कहा कि आप है वो हमारे समाज में फूट डालने का काम करो। तो पैगंबर साहब को वहां से जाना पड़ा, और पैगंबर साहब हैं वो मक्का से मदीना की यात्राएं वो करते हैं 622 ईस्वी में, और जिसको है वो हिजरी संवत का प्रारंभ माना जाता है, हज है वो कहलाता है। तो ये पैगंबर मोहम्मद साहब की इस यात्रा है वो हमने करवाई थी, जो मक्का से मदीना की यात्रा तो हमने करवा दी थी पैगंबर साहब की। और अब आगे जाकर देखेंगे चीजों को, पैगंबर मोहम्मद साहब की 570 ईस्वी में उनका जन्म हुआ, और 632 ईस्वी में है वो उनका देहांत हो गया, यानी उनकी मृत्यु हो गई। तो मृत्यु होने के बाद में जो पैगंबर मोहम्मद साहब ने एक समाज स्थापित किया था, मुसलमान जो समाज था, धर्म हाल तक नहीं था। सच पूछो तो बात यह है कि जब जब बड़े लोग हैं, बड़े जो जिन्होंने है वो स्थापित किया तो समाज स्थापित किया, चाहे बुद्ध धर्म हो तो महात्मा बुद्ध जैसा व्यक्ति है वो एक सोसाइटी को एस्टेब्लिश करता है, धर्म नहीं था, रिलीजन से उसका कोई उस समय तक है वो कोई ताल्लुका नहीं था। बुद्ध ने कभी नहीं कहा था कि ये बहुत धर्म है। महावीर जैसा व्यक्ति है जब जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक बनता है तो वह भी एक समाज सुधारक के रूप में काम करता है। उसने है वो उसको तात्कालिक समय में धर्म के फॉर्मेट में नहीं कहा कि ये धर्म होगा इस तरह से मेरे नाम से, नहीं, ऐसा भी नहीं था। और बात यहां पर इस्लाम में भी यही स्थिति रही कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने ये नहीं कहा कि ये है ओ इस्लाम आपका आपसे धर्म हो गया, नहीं,
जब उन्होंने स्थापित किया तो कहा कि मुझे ईश्वर ने, मुझे अल्लाह ने भेजा है कि मैं एक व्यवस्थित समाज को है वो एस्टेब्लिश को, एक व्यवस्थित समाज को स्थापित कर सकूं, और उस व्यवस्थित समाज में सभी लोग हैं वो एकेश्वरवाद, एकता की भावना हो और सही तरीके से जीवन का निर्माण है वो करे। अब 632 ईस्वी के अंतर्गत तो साहब मोहम्मद साहब की है वो मृत्यु हो जाती है, और मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई तो इनका है वो कोई ऐसा वेद है वारिस नहीं था जिनको क्या किया जाए, इस्लाम का है वो अगला मुखिया है वो समझा जाए। तो ऐसी स्थिति में हमारे सामने समस्या खड़ी हो गई, तो साहब क्या किया जाए, जो पैगंबर साहब ने समाज स्थापित किया है उस समाज का आखिर में कौन व्यक्ति हो जो एक तरह से है वो उसका निर्णय करता हो, तो ये एक तरह का है वो वैक्यूम क्रिएट होने का काम कर, एक तरह से खाली जगह है वो उसकी स्थिति पैदा होती है। तब जाकर के एक व्यवस्था का उदय हुआ कि साहब पैगंबर मोहम्मद साहब के जो कुछ अनुयायी थे उस समय, तकरीबन हम देखेंगे 3-4 खलीफा ऐसे आते हैं, 3-4 लोग आते हैं जिनका मोहम्मद साहब की जो परंपरा में है विश्वास था, तो आगे जाकर एक खिलाफत संस्था का है वो गठन होता है। किसका गठन होता है? खिलाफत का। और इस खिलाफत का जो प्रमुख बनाया गया था वह पद था खलीफा। क्या था? खलीफा। ये फिर क्या हो जाएगा, ये इस्लाम का सर्वोच्च है वो धर्मगुरु बनता है, पैगंबर मोहम्मद के बाद में है वो, उनके शिष्य के रूप में ये स्वीकार करते हैं कि साहब मोहम्मद साहब है वो हम कहकर गए, उनके हैं शिष्य के रूप में हम क्या करेंगे, जो इस्लाम धर्म को है वो संचालन का काम करेंगे, नेतृत्व का काम करेंगे। तो आगे जाकर के खलीफा का है वो पद सर्जित होता है, ये इस्लाम धर्म का सर्वोच्च व्यक्ति होता है। जिस तरह से आप देखोगे कि जो ईसाई धर्म, ईसाई धर्म का सर्वोच्च है वो पोप होता है, इटली के जो रोम शहर में पोप है वो बैठते हैं, तो यहां पर है वो इस्लाम का जो सर्वोच्च होता है वो खलीफा है, इस्लाम का सर्वोच्च सर्वोच्च है वो धर्माधिकारी। 622 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद के देहांत यानी पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद कोई भी है वो वेद रूप से इस्लाम का है वो अगला पैगंबर होने का दावा है वो नहीं कर सकता था, क्योंकि हम देखेंगे कि ये जो व्यवस्था प्रारंभ हो रही है मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद में, तो खलीफाओं का है वो शासन का उदय होगा, और खलीफा मैंने कहा कि इस्लाम का सर्वोच्च क्या है, धर्माधिकारी है, और खलीफाओं का शासन का उदय होगा। तो आप आगे जाकर देखोगे कि 3-4 खलीफा तो हैं वो ठीक चले थे, अली ठीक चला, अबू बकर है वो ठीक चला, उस्मान ठीक चला, मुआविया ठीक चला, उसके बाद के जो खलीफा थे वहां जाकर गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो जाती है। एक बात है वो बच्चों आप समझने की कोशिश कीजिए जो मैं कह रहा हूं, एक बात है कि जो पंथ के रूप में है वो मोहम्मद साहब ने इस्लाम को है वो एक तरह से स्थापित किया, मुसलमान है वो जिसके लोग थे अनुयायी थे, आगे जाकर व्यवस्था तब्दील होगी, खलीफा का पद सर्जित हुआ, और यहां तक तो है व्यवस्था ठीक चली, आगे उससे जाके बढ़ते हैं तो उम्मेद वंश का है वो शासन व्यवस्था स्थापित होती है और वहां पर राजनीति स्थापित होती है। जब जब है धर्म, पंथ था, पंथ को धर्म में तब्दील किया, राजनीति ने सहारा दिया तो वो जाकर के धर्म में तब्दील हुआ, अन्यथा कोई भी पंथ है वो सीधे धर्म में तब्दील नहीं हो सका। राजनीति ने जब हस्तक्षेप किया, जब राजनीति हावी हुई तो वह जाकर आगे किसमें है वो तब्दील हो गई, धर्म में तब्दील हो गई, और यहां पर भी ऐसा ही होगा। आज तक तो है मुसलमान हमारा एक समाज है, आगे जाकर के है खलीफा, जो अगले खलीफा आएंगे और सैयद वंश की शासन सत्ता स्थापित करेंगे और वे राजतंत्र बना लेंगे, राजा का है वो पद स्थापित कर लेगा, और उस समय राजनीति शुरू होते ही है वो धर्म का बिंब है वो रूप ले लेती। तो 632 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद में उनका कोई भी है वो वेद उत्तराधिकारी ही नहीं था जो इस्लाम का अगला पैगंबर होने का दावा करे। इसके परिणाम स्वरूप उनकी राजनीतिक सत्ता उत्तराधिकार के सुस्थापित सिद्धांत के अभाव में है वो उम्मा को क्या करती कर दी, अंतरित है वो कर देगी, और इससे है वो नवाचारों के लिए अवसर है वो उत्पन्न हो गए, लेकिन इससे है मुसलमानों में गहरे मतभेद भी पैदा हो गए, और सबसे बड़ा परिवर्तन था कि खिलाफत की संस्था का क्या किया जाए, निर्माण है वो यहां जाके होता, और जिसमें समुदाय का जो नेता था
वो कौन है समुदाय का नेता जिसको अमीर अल मोमिन कहा जाता है, ये आपको शब्द याद नहीं रहेगा। जो समुदाय का नेता यानी खिलाफत की संस्था का जो निर्माण हुआ, तो एक खिलाफत का नेतृत्व कौन करेगा, तो जिसमें कहा गया कि साहब पैगंबर का कोई प्रतिनिधि है वो बनाया जाएगा। क्या करेंगे, हम एक संस्था बनाएंगे और वो संस्था है वो सभी मुसलमानों में जो मतभेद हुए, क्योंकि कुछ लोगों ने है वो पैगंबर के आपको पता ही होगा विरोध में लोग थे, कुछ लोग है वो ज्यादातर समर्थक लोग थे, तो ऐसी स्थिति में एक संस्था बनानी और वो संस्था क्या करे, दोनों के बीच संतुलन कायम कर समन्वय कायम करते हुए साथ लेकर चले। तो ऐसी स्थिति में पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद में एक खिलाफत करके संस्था का है वो निर्माण किया गया, और खिलाफत संस्था का जो प्रतिनिधि होगा वह पैगंबर साहब का क्या होगा, एक प्रतिनिधि के रूप में काम करेगा, और जिसका नाम क्या रखा हमने, जिनका नाम है वो रखा खलीफा। क्या रखा, खलीफा है वो होगा एक तरह से किसका, इस खिलाफत जो संस्था होगी उसका प्रतिनिधि बन गया खलीफा है वो नाम रखा गया, और वह क्या करेगा पैगंबर मोहम्मद साहब के मूल्यों का एक तरह से वह पालन करने का काम करेगा, उनका नेतृत्व करेगा, उनकी नीतियों को आगे बढ़ाने का है वो काम करेंगे। पहले के चार खलीफाओं जिनको 632 से लेकर 661 ईस्वी ने पैगंबर के साथ अपने गहरे और नजदीकी संबंध के आधार पर अपनी शक्ति का क्या क्या इन्होंने औचित्य है वो सिद्ध किया, और पैगंबर द्वारा दिए गए मार्गदर्शन के मार्ग निर्देशों के अंतर्गत है वो उनका कार्य जारी रहा। यानी चीजों को देखेंगे एक साथ, जो पहले के चार खलीफा थे जो 632 से लेकर के 661 ईस्वी तक हैं वो खलीफा ज्यादातर है वो चले, बाद में जाकर के राजनीतिक व्यवस्था है वो स्थापित होती है। तो जो पहले के चार खलीफा थे उन खलीफाओं का क्या है कि जो पैगंबर साहब के जो मूल्य थे, उन जो नैतिक नियम थे, जैसे पैगंबर साहब कहा करते हैं कि धर्म में आप देखोगे कि उन्होंने है वो बुत जो किशन है या ना फिर जो सनम है यानी जो मूर्ति पूजा कर उनका एक तरह से विरोध करने का काम किया, सभी में एक तरह से भाईचारा हो, फिर उन्होंने कहा कि गरीबों को है वो खैरात बांटना करना ये काम किया गया। तो ये जो पैगंबर साहब के मूल्य थे उन मूल्यों को आगे बढ़ाने का जो काम करते हैं वो पहले के चार खलीफा करते हैं, और उनका है वो पैगंबर साहब के जो नीति निर्देश थे उनमें गहरा क्या था, विश्वास था, इसलिए यहां तक तो है वो चार खलीफा तो अच्छे तरह से शासन कर पाए, लेकिन आगे के लोग वे जाकर के इस व्यवस्था को है वो सही तरह से स्थापित नहीं कर सके, फलत आगे जाकर के मुसलमानों में क्या हो जाता है, गृह युद्ध की स्थिति है वो पनप जाती है, और उसमें शिया और सुन्नी है वो बड़े संप्रदाय के रूप में सामने आते हैं, और जिनके कारण है वो आपसी गृह युद्ध लड़ाई की स्थिति है वो पैदा हो जाती है इस्लाम में, और आगे इससे भी है वो भयंकर स्थिति हो जाती है। क्योंकि मैंने आपको रोमन साम्राज्य पढ़ाया था, रोमन साम्राज्य में जो बाइजेंटाइन साम्राज्य था जो टर्की तक का क्षेत्र था, टर्की में जो एस्टेब्लिश हुआ वह बाइजेंटाइन साम्राज्य रोम साम्राज्य का उत्तराधिकारी आगे बढ़ रहा, और दूसरी तरफ है वो ईरान में है वो मैंने बताया था कि ससानी राजवंश है वो शासन कर रहा था, और ससानी राजवंश और नया धर्म वहां पर था जरथुष्ट धर्म, तो ईरान में जरथुष्ट धर्म काम कर रहा है, उस तरफ है वो रोमन साम्राज्य बाइजेंटाइन साम्राज्य वहां ईसाई धर्म काम कर रहा है, और अब अरब क्षेत्र में आगे जाकर एक बड़ी क्रांति होगी, अरब में है वो बड़े बदलाव होंगे, और इस अरब क्रांति के दौरान क्या हुआ कि ईसाई के साथ और जरथुष्ट के साथ इनकी है वो लड़ाई झगड़े है वो प्रारंभ हो जाते हैं, और स्थिति इस हद तक खराब हो जाती है कि आगे जाकर के 1091 से लेकर 1295 ईस्वी तक है वो धर्म युद्ध होते हैं, तीन चार है वो महत्वपूर्ण धर्म युद्ध है इस समय अवधि में होते हैं, ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म के बीच में ज्यादातर जेरूसलम का ये क्षेत्र को लेकर के है वो बहुत बड़ी है वो विश्व के अंतर्गत धर्मों में है वो लड़ाई होती, तो ये धर्म युद्ध जो क्रूसेड थे वो भयंकर स्थिति आगे जाकर है वो पनपने का काम होगा। तो चीज यहां पर ये आएगी कि साहब पैगंबर मोहम्मद साहब ने स्थापित किया, मृत्यु हुई, खलीफाओं ने आया, शासन स्थापित किया, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे, गृह युद्ध की स्थिति पैदा होगी, पहले तो खुद है वो धर्म में लड़ने का काम करेंगे, मुसलमान मुसलमान खुद लड़ेंगे, इस्लाम धर्म के अनुयायी खुद लड़ेंगे, फिर इनको बाहर के लोगों से है वो लड़नी पड़ेगी, फिर इनका है वो आगे जाकर है वो विस्तार होता है। तो ये एक क्रमबद्ध श्रृंखला में है वो हमारी श्रृंखला है वो चल रही विश्व इतिहास की, उसको आप हैं वो समझिए। तो जो ये खिलाफत हमने स्थापित की थी पैगंबर मोहम्मद साहब के जो अनुयायी प्रतिनिधि के रूप में है वो खलीफा को हमने बैठा दिया गया था। आपको जब भी पूछा जाए खलीफा क्या है तो आप कहोगे साहब इस्लाम धर्म का सर्वोच्च धर्माधिकारी था पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद में खलीफा। और क्या हमने गठित की थी, हमने खिलाफत बनाई थी, मैंने कहा खिलाफत एक संस्था है वो एस्टेब्लिश की, तो
तो इसका जो खिलाफत की भी उद्देश्य थे कि एक तो है वो कबीरों के ऊपर नियंत्रण कायम करना, जिनसे मिलकर है वो किसका उमा का है वो गठन हुआ। ये जो खिलाफत का खिलाफत हमने एक संगठन बनाई, एक संस्था बनाई खिलाफत, ये जो आपके खिलाफत संस्था का निर्माण किया गया था ये उमा। इस खिलाफत संस्था का क्या करना है, इस खिलाफत संस्था में है वो लोगों का अच्छे तरह से क्या रहे, विश्वास है वो कायम रहे और एकता कायम रहे। तो कबीलों के ऊपर नियंत्रण रखना और जिनसे मिलकर ये उम्मा जो खिलाफत का गठन हुआ है वह एक है वो बनाए रखना। तो ये खिलाफत की संस्था का पहला उद्देश्य आया कि साहब जो चूंकि आप देखो कि इस्लाम अलग अलग कबीलों में बंटा हुआ है, पैगंबर मोहम्मद साहब है वो उनको एक करके साथ में बिठाने का काम करें, लेकिन वो पूरी तरह से कबीलों में है वो भिन्न भिन्न रूप से बंटा हुआ है। तो उन सभी कबीलों को एक करके उनके ऊपर नियंत्रण रखना ताकि कोई राजनीतिक विद्रोह की स्थिति है वो नहीं पनपे। ऐसा नहीं हो कि वे कबीले कर ले वो सिर खड़ा कर दे और हमारी बात को है वो माने, हमारी मतलब खलीफा की बात को। आगे दूसरा सबसे बड़ा था कि राज्य के लिए वो संसाधन जुटाना, क्योंकि खलीफा को है वो इस्लाम का सबसे बड़ा धर्माधिकारी तो बना दिया, लेकिन वह धर्माधिकारी कैसे है वो चल सकता है, तो उसके लिए क्या है उनको संसाधन जुटाने पड़ेंगे। बड़ा साम्राज्य स्थापित करना तो सेना चाहिए कि सभी कबीलों को एकत्रित करना, विद्रोह की स्थिति नहीं पनपे, उनके असंतोष है तो उनको है वो जो उनकी जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति हेतु प्रयत्न करना, उमा को सही तरह से वो चलाने का काम करना। तो ये खिलाफत के हैं वो दो महत्वपूर्ण उद्देश्य था, एक तो उमा का जो गठन किया, जो खिलाफत का गठन किया है उस खिलाफत को हमें व्यवस्थित रूप से चलाना है, और दूसरा है वो राज्य के लिए हमें क्या करना है, संसाधन है वो चाहिए, सोर्सेस है वो चाहिए ताकि व्यवस्था अच्छे तरह से चल सके, और अब जो हमारी होगी वो खलीफा के शासन की आगे जाके है वो स्थापना होगी। तो ये तो पृष्ठभूमि थी, फिर खिलाफत है वो पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद स्थापित की, अब है वो खलीफा का शासन है वो खलीफा के शासन का प्रारंभ। पहला जो खलीफा था हमारे पहले खलीफा अबू बकर ने अनेक अभियानों द्वारा है वो क्या किया, विद्रोहों का दमन है वो किया। तो ये प्रथम खलीफा की है वो बात है, तो प्रथम खलीफा है वो कौन है, अबू बकर है। और अबू बकर ने क्या किया कि अलग अलग जगह के ऊपर है वो अभियान किए, और विशेषकर अभियानों के द्वारा क्या किया कि जो ये कबीले थे उन कबीलों को एकत्रित करने का है वो काम कराए, कबीलों में है वो एकता का काम है वो कर रहे। विशेषकर आप देखोगे कबीलों कबीलों के विद्रोहों को दबाया तथा एकल व्यवस्था एकल व्यवस्थाएं वो कायम की, यानी प्रथम हमारे खलीफा आए अबू बकर। आपसे पूछा जाएगा इस्लाम में है वो मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद में प्रथम खलीफा है वो कौन बने थे, तो प्रथम खलीफा कौन है, अबू बकर है। और अबू बकर ने क्या किया कि विशेषकर उन कबीलों को दबाया गया जो मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद में है वो विद्रोह किया, और उन कबीलों को है वो दबा करके खिलाफत की संस्था में है उनके अधीन शासन व्यवस्था चलाने का काम है वो प्रारंभ किया ताकि इस्लाम में हो एकता की स्थिति है वो बने रहे। और आगे जाकर के हमारा जो दूसरा खलीफा आता है वो उमर आता है, दूसरा खलीफा कौन है, उमर है। और उमर ने है वो उम्मा की सत्ता के विस्तार की नीति को है वो नया रूप दिया, और ये खिलाफत की जो संस्था स्थापित की थी उसकी शक्ति को है वो विस्तारित कर रहा है, सत्ता को विस्तारित है वो कर रहा है कि किस तरीके से ज्यादा खिलाफत को आए वो बढ़ाया जाए, और ज्यादा से ज्यादा इस्लाम में जो अनुयायी है जो मुसलमान है ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या किया जाए, मुसलमान बनाया जाए और इस्लामी धर्म का है वो प्रचार, इस्लामी जो इस्लाम धर्म का प्रचार किया जाए। खलीफा जानता था कि उम्मा को व्यापार और करों से होने वाली मामूली आय के बल पर वो नहीं चलाया जा सकता, और ये महसूस करते हुए कि अभियानों में मारे जाने वाले छापों से हैं वो लूट की भारी धनराशि प्राप्त की जा सकती है। खलीफा
और उसके सेनापतियों ने पश्चिम में आप देखोगे कि बाइजेंटाइन साम्राज्य और पूर्व में ससानी साम्राज्य के इलाकों को जीतने के लिए अपने कबीलों की है वो शक्ति जुटाई। तो हम बात कर रहे हैं कि साहब जो दूसरे खलीफा आए अबू बकर के बाद में है वो उमर खलीफा आए, और उमर ने कहा कि हम है वो उम्मा की सत्ता का विस्तार करेंगे, उम्मा का है वो ज्यादा से ज्यादा विस्तार करेंगे और ज्यादा से ज्यादा इस्लाम जो धर्म है उसका प्रचार करेंगे और मुसलमानों की संख्या को बढ़ाएंगे। एक तो हम ये काम करेंगे, और ये जब काम करेंगे तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, संसाधन चाहिए, हमें है वो उनके लिए धन चाहिए, पैसा चाहिए। तो उसके लिए क्या है कि व्यापार और करों से जो आय होती थी उससे तो है साहब काम चल नहीं सकता ना। तो इन्होंने तरीका निकाला कि जो हम ये जो अभियान करते हैं और उन युद्ध अभियानों में है वो धनराशि भारी मात्रा में हमें लूट से है वो धनराशि प्राप्त हो, तो क्यों नहीं इस लूट वाली धनराशि का है वो प्रयोग करके हम उसका उपयोग करके हैं वो ज्यादा से ज्यादा विस्तार का कार्य है वो प्रारंभ करें। और खलीफा और को उसके सेनापति थे जो क्या किया कि बाइजेंटाइन साम्राज्य था, मैंने बताया था कि रोमन साम्राज्य के बाद में तुर्की में कुस्तुनतुनिया वहां बाइजेंटाइन साम्राज्य स्थापित हुआ, एक तरह से रोमन साम्राज्य का उत्तराधिकारी। तो इन खलीफा और उसके सेनापतियों ने बाइजेंटाइन साम्राज्य पश्चिम में स्थापित था और पूर्व में जो ससानी साम्राज्य था उनको है वो जीतने का प्रयत्न किया, और अब इनके जो पतन की है वो एक तरह से कहानी है वो एक तरह से प्रारंभ होगी। और आगे जाकर के आप देखोगे कि किस तरह से वो इन खलीफाओं की नीतियों के फलस्वरूप है वो ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म में धर्म युद्ध है वो विश्व के अंतर्गत प्रारंभ होते हैं, और जिनके कारण और भी स्थिति इन लोगों ने क्या कर दी थी, खराब कर ली थी। तो खलीफा को क्या चाहिए साहब, खलीफा को है ज्यादा से ज्यादा धन चाहिए, और धन है वो लूट से आएगा, और उसके लिए क्या करो आप विजय अभियान करो, और विजय अभियान कहाँ करोगे, बाइजेंटाइन साम्राज्य जो रोमन साम्राज्य का हमारा क्या था उत्तराधिकारी था रोमन साम्राज्य के बाद में है वो बाइजेंटाइन साम्राज्य स्थापित हुआ, मैंने बताया कि ये टर्की में कुस्तुनतुनिया का क्षेत्र वहां पर, और दूसरा हमारा पूर्व में जो ससानी साम्राज्य था ये कहां पर है, ईरान में ससानी साम्राज्य, और यहां का जो धर्म है ससानी साम्राज्य यहां का है वो जरथुस्ट जरथुस्ट है वो आगे जाके आ जाते जरथुस्ट जरथुस्ट धर्म है वो जाके आ जाता। तो एक तो ये व्यवस्था है वो हमारे सामने है। दूसरा हम साहब कहेंगे कि जो बाइजेंटाइन और ससानी साम्राज्य जब अपनी शक्ति की सर्वोच्च शिखर पर थे तो वे विशाल क्षेत्रों पर शासन है वो करते थे, और अरब अपने राजनीतिक और वाणिज्यिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए उनके पास है वो बड़ी मात्रा में संसाधन है वो थे। यानी बाइजेंटाइन साम्राज्य और ससानी साम्राज्य की हम बात कर रहे हैं कि साहब अब जो खलीफा ने काम किया था कि बाइजेंटाइन साम्राज्य और ससानी साम्राज्य से वो क्या किया जाए, युद्ध किया जाए, युद्ध अभियान किया जाए, और उनसे जो धनराशि प्राप्त होगी उसी से हम व्यवस्थाओं को ज्यादा चलाएंगे। और बाइजेंटाइन साम्राज्य और ससानी जो साम्राज्य इस समय अपनी शक्ति के सर्वोच्च शिखर पर थे, यानी इस समय ये बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थे और विशाल क्षेत्रों के ऊपर है वो शासन व्यवस्था चला रहे थे, और अरब में अपने राजनीतिक और वाणिज्यिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए उनके पास है वो बड़ी मात्रा में धन संपदा भी थी। किन के पास, बाइजेंटाइन और ससानी, क्योंकि ये पहले से एक संगठित साम्राज्य थे। हमने देखा था रोमन साम्राज्य को किस तरह से अगस्त जैसा व्यक्ति स्थापित करता है, और फिर आप आगे जाके देखो किस तरह से है वो उसका विस्तार धीरे धीरे कम होता गया, और बाइजेंटाइन क्षेत्र हो तुर्की का उसको अपना केंद्र बना लिया गया, लेकिन फिर भी वो सशक्त था क्योंकि ये तो उनके पास में है ज्यादातर शक्तिशाली शासक हुए जिस समय इतनी बड़ी प्रतिस्पर्धा थी नहीं, भारी मात्रा में उनके पास संपदा थी, तो उसके कारण बाइजेंटाइन साम्राज्य है वो शक्तिशाली, और दूसरा है वो ससानी जो साम्राज्य, ससानी साम्राज्य जो ईरान वाला, कहां पर है ये ससानी साम्राज्य साहब, ये ईरान के, ईरान एक देश है जहां पर जरथुस्ट धर्म के लिए लोग हैं, तो ये भी शक्तिशाली, और इन लोगों के हैं वो अरब लोगों के साथ क्या कर रहे हैं, व्यापार चल रहा है, और राजनीतिक संबंध भी अच्छे हैं, राजनीतिक गतिविधियां भी वे वहां पर कर रहे हैं,
तो वो किसके बलबूते पर करें, क्योंकि उनके पास में पैसा है, धन संपदा ज्यादा है, संसाधन अधिक है, फलत बाइजेंटाइन और ससानी साम्राज्य है वो अपनी शक्ति का विस्तार कर रहे हैं। बाइजेंटाइन साम्राज्य ईसाई मत को बढ़ावा देता था और ससानी साम्राज्य है वो ईरान के प्राचीन धर्म जरथुस्त धर्म को है वो संरक्षण देता था। अब आगे यहाँ पर बाइजेंटाइन साम्राज्य की के साथ जो बाइजेंटाइन साम्राज्य है वो जो हम देखेंगे कि ईसाई धर्म को है वो मानता है, ईसाई मत को है वो मानता है, क्रिश्चियन है वो रिलीजन को बढ़ावा देता है। और दूसरा हमारा जो ससानी साम्राज्य, ससानी जो राज जो ईरान के अंतर्गत साम्राज्य था और ससानी है वो किन को महत्व देने, जरथुस्ट को है वो महत्व देने, जरथुस्ट धर्म को बढ़ावा देने का काम है वो ये लोग कर रहे हैं। तो यहां तक तो है वो दूसरे खलीफा की हमने बात की थी। दूसरा जो हमारा खलीफा था खलीफा उमर, उसने क्या किया कि साहब बाइजेंटाइन साम्राज्य और ससानी साम्राज्य के साथ है वो अभियान है वो प्रारंभ किया और महसूस किया कि इन लोगों को पराजित करके धन संपदा लेकर के मैं क्या करूंगा, उमा को अच्छे तरह से है वो चलाने का काम करूंगा। अब आगे जाकर हमारा जो खलीफा आएगा तीसरा जिसका नाम है उस्मान, तो उस्मान की है वो बात करेंगे। अबू बकर की बात की हमने, अब है वो बात कर लेते हैं हम उस्मान की। तीसरा खलीफा हमारा उस्मान है। उस्मान की क्या स्थिति थी उनको भी देखेंगे किस तरह से हैं वो। पैगंबर साहब की मृत्यु के बाद में जो तीसरा महत्वपूर्ण है वो खलीफा हमारा था उस्मान, और उस्मान है वो उमर के बाद में अगला खलीफा बनेगा और ये पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद में है वो शासन का जो नियंत्रण है वो लंबा शक्तिशाली लोगों के अंतर्गत है वो उस्मान आता है। लेकिन है वो कहीं ना कहीं इसके समय गृह युद्ध की स्थितियां हैं वो पनप जाती है। तो तीसरा खलीफा है उस्मान, आपके पुस्तक में बार बार आ रहा है उस्मान आ रहा है, जबकि वास्तव में है वो उस्मान नाम था उसका। तो आपको जो अच्छा लगे वो याद करना, उस्मान करना या उस्मान करना उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उस्मान ने अपना नियंत्रण है वो मध्य एशिया तक बढ़ाने के लिए और है वो अभियान चले। चूंकि हमने देखा था कि अबू बकर के बाद में है उमर ने विजय अभियान चला दिया था और वो भी कहां पर है, ईरान के ससानियों पर है वो कर रहा था। तो इसने भी है वो मध्य एशिया मिडिल ईस्ट का जो क्षेत्र था वहां तक है वो जो फिलिस्तीन का क्षेत्र है या इजराइल का क्षेत्र है तो वहां पर है वो उस्मान अपना नियंत्रण बढ़ाने के लिए अभियान है वो चला रहा है। पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के एक दशक के अंदर अरब इस्लामी राज्य ने नील नदी और ऑक्सस के बीच के विशाल क्षेत्र को है वो अपना नियंत्रण में ले लिया गया, यानी नील नदी आपके मिस्र में बह रही अफ्रीका के अंदर। तो जो तीसरा खलीफा था जो उस्मान ने वो मुस्लिम जो इस इस्लाम धर्म का है वो विस्तार का काम प्रारंभ किया और नील और ऑक्सस के बीच के जो विशाल भूभाग को है वो अपने शासन में लिया और ये इलाका है वो मुस्लिम शासन के अंतर्गत आज भी है वो बना हुआ। आप देखोगे एक मिस्र का भूभाग है, ये सारा का सारा है वो इस्लाम लोगों के जो अधीन है, अरब का पूरा है, अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग है वो मुसलमान जो धर्म के लोगों के अधीन है। और ये खलीफा उस्मान के समय में है नील तक का जो क्षेत्र था नील नदी का मिस्र के अंतर्गत बहने का काम करे वो क्षेत्र है वो उस्मान के समय मुसलमानों के अधीन आ गया था। और जो उस्मान ने है वो जीते गए सभी प्रांतों में खलीफाओं के जो नया प्रशासनिक है वो ढांचा लागू किया और जिनके अध्यक्ष को उन्होंने क्या किया गया, गवर्नर का है वो पद दिया गया। ये बहुत ही राजनीतिक तरह का व्यक्ति है वो काम कर रहा है, कौन, उस्मान है वो काम कर रहा है। और इसने क्या किया कि सभी जो जीते गए भूभाग उनको प्रांतों में विभाजित किया, राज्यों में विभाजित किया और वहां पर क्या किया, अपनी खलीफा की प्रशासनिक व्यवस्था लागू की कि मैं खलीफा, मैं अब आपको गवर्नर नियुक्त कर रहा हूं, आप इन मिस्र के प्रांत के ऊपर है वो शासन करोगे या फिर आप है आप जो ऑक्सेस के प्रांतों के ऊपर है तुरानी इन क्षेत्र के ऊपर क्या करोगे, शासन करोगे, किसके अधीन, मेरे खलीफा के अधीन है वो आप काम करोगे। तो ये उस्मान ने है वो नया खलीफा प्रशासनिक है वो ढांचा लागू किया और प्रांतों के क्या बना दिए गए, अध्यक्ष बनाए गए, अध्यक्ष जिनको गवर्नर कहा गया और कबीलों के मुखिया अशरफ हैं वे थे। और जो राज्यों को है वो कबीलों के अंतर्गत बांटा गया, किसमें बांटा गया, ये कबीला थे, कबीला का प्रमुख कौन है, अशरफ है मुखिया उसका। कबीले के बाद में इन्होंने क्या किया, प्रांतों का गठन किया, प्रांत यानी राज्य होता है।
और राज्य का जो प्रमुख होता है शासन करने वाला, उसका नाम क्या रखा गया? गवर्नर रखा गया। और गवर्नर को क्या कहते हैं? अमीर शब्द है वो कहते हैं। क्योंकि इसमें ज्यादातर जो शब्दाद है वो फारसी की है, तो वो हमें याद नहीं रह पाएगी। आप सीधा इतना ही ध्यान रखना कि इसके अध्यक्ष को है वो गवर्नर कहा गया और कबीलों के मुखिया थे। केंद्रीय राजकोष अपना राजस्व मुसलमानों द्वारा अदा किए जाने वाले हैं वो करों से और इसके अलावा दावों से है। दावा यानी लड़ाई जगह आप है वो डाका डाल कर रहे हो एक तरह से, दावों से यानी छापा मार कर। छापा मार कर या डाका डाल कर रहे हैं वो जगह जगह से लूट खसोट का कार्य आप प्रारंभ करो। तो इसके अलावा उन्होंने है वो दावों से मिलने वाली लूट में अपने हिस्से से प्राप्त करता था। खलीफा के सैनिक जिनमें अधिकतर कौन थे? अधिकतर हैं वो बेदुइन थे और रेगिस्तान के किनारों पर बसे शहरों जैसे कूफा शहर है और बसरा शहर में है वो शिविर डालकर ये लोग रहते थे ताकि वे अपने प्राकृतिक आवास स्थलों के निकट और खलीफा की कमान के अंतर्गत हैं वो बने रहे। यानी यहां पर ये बात हुई साहब उस्मान के समय है वो नई प्रशासनिक व्यवस्था भी लागू की गई और जो इनको धन चाहिए था वो केंद्रीय राजकोष है वो मुसलमानों के द्वारा या तो कर दिए जा रहे थे उनसे और दूसरा है वो ये दावों में जगह जगह लूट मार कसूट जो डाका डाल कर रहे सापा मार कर रहे वो धन प्राप्त करते थे, उस धन का है वो उपयोग करते थे। और खलीफा के जो सैनिक थे अधिकतर कौन थे? बेदुइन लोग थे। बेदुइन जो आप देखोगे कि रेगिस्तान के रेगिस्तानी लोगों के एक तरह से हैं वो अनपढ़ लोगों का है वो समूह था बेदुइन, तो बद्दू शब्द से है मिलकर बना। तो और साथ ही साथ जो इन सैनिकों को है वो रेगिस्तानी इलाकों का जो शहर है जो शहर बसाए थे नगर बसाए कूफा और बसरा वहां के शिविरों में ये लोग रहते थे और वहां पर रहते थे तो खलीफा के वो नियंत्रण में रहते थे और जब खलीफा को जरूरत पड़े तो कूफा और बसरा जैसे शहरों से उन बेदुइन सैनिकों को बुला लिया जाए ताकि क्या है कि ये एक तरह से लड़ाकू प्रवृत्ति के हैं वो लोग हुआ करते थे। ये बेदुइन जो सैनिक थे एक तरह से लड़ाकू प्रवृत्ति के हैं वो नेचुरल रूप से ये लड़ाकू प्रवृत्ति के लोग थे तो ये खलीफा के अधीन उनकी कमान के अंतर्गत काम करते थे और जब भी खलीफा को आवश्यकता हुई तो इन लोगों को बुला करके वो क्या करता था एक तरह से व्यवस्था को चलाने का काम है वो खलीफा करता था। अब हमारा जो अगला जाके जो खलीफा बनता है उसका नाम है अली। अबू बकर आ गया, उस्मान आ गया, उमर आ गया और अब हमारा है अगला खलीफा कौन है आपके? ये अली। अली के द्वारा 656 से 661 उन लोगों के खिलाफ जो मक्का के अभिजात तंत्र का है वो प्रतिनिधित्व करते थे। अभिजात का मतलब हुआ कुली या फिर इनको आप सीधा ऐसे लो अमीर, इस शब्द को आप समझोगे अभिजात को नहीं समझ पाओगे। तो अली है वो 656 से 661 में अगला है वो जाके क्या बनता है? ये खलीफा है वो बनता है। अली है वो क्या है? अगला जाकर खलीफा बना। अगला है वो जाके खलीफा बना जो मक्का के अभिजात यानी मक्का के हैं वो अमीर वर्ग का नेतृत्व करता था और दो युद्ध लड़े जाने के बाद मुसलमानों में दरार और गहरी हो गई थी और अली ने अपने आप को कूफा शहर है रेगिस्तान के किनारे वाला शहर उस शहर में है वो स्थापित कर लिया था। यानी अपने आप को कहां पर है वो स्टेब्लिश करना है? कूफा शहर रेगिस्तान के किनारे वाला जहां पर मैंने कहा था कि बेदुइन है वो सैनिक रहते थे, खलीफा के वो कमान में रहते थे। और उसने क्या किया अली ने कि मोहम्मद की पत्नी आयशा के नेतृत्व वाली सेना को है वो 657 में ऊंट की लड़ाई में है वो पराजित कर दिया गया। यानी अली हमारा अगला खलीफा बनेगा और अली है वो दो युद्ध लड़ता है, एक तो ऊंट की लड़ाई लड़ता है और दूसरा है सिफिन का युद्ध है वो लड़ता है। और इस युद्ध में क्या किया कि मुसलमानों में एक तरह से है वो इसने खाई पैदा करने का है वो काम किया, मुसलमानों को यहां से है वो अली के द्वारा है विभाजन का काम होता है, शिया और सुन्नी के अंतर्गत ये गुटों में आगे जाके वो बढ़ जाएगा। और जो अली लड़ाई लड़ता है वो मोहम्मद साहब की तकरीबन 13 के आसपास है वो पत्नियां थी, 13 के आसपास है वो इनकी पत्नियां थी। पहली है वो खदीजा करके थी,
जो धनवान महिला थी, बाद में उनकी मृत्यु हो गई, बहुत ही बुजुर्ग महिला से उन्होंने पहले शादी की थी, और 13 के आसपास पत्नी थी। तो मोहम्मद साहब की एक पत्नी आयशा थी, उन्होंने कहा कि साहब ये अली कौन है, मैं उनकी पत्नी हूं, तो मैं वास्तव के अंतर्गत तो उनके अनुयायी के तौर पर है वो काम करूंगी, इस्लाम धर्म को एक करने का काम करूंगी। तो आयशा के नेतृत्व वाले जो धड़ा था उनको पराजित करने का काम है वो अली ने किया 657 ईस्वी में, जिसको ऊंट की लड़ाई का नाम दिया गया, ऊंट की लड़ाई के नाम से वो जाने के। और इस लड़ाई में, ऊंट की लड़ाई में आयशा को क्या किया गया, पराजित है वो किया गया। और अली ने जो दूसरा युद्ध लड़ा था वो सिफिन का युद्ध है, सिफिन का युद्ध जो मेसोपोटामिया में हुआ था, उस युद्ध को है वो लड़ने का काम कर रहा है। और बाद में है वो संधि के रूप में ये युद्ध समाप्त हुआ, जिसमें उसके अनेक अनुयायियों को दो धड़ों में बांट लिया गया, और कुछ उसके वफादार रहे जबकि कुछ अन्य लोगों ने उनका है वो साथ छोड़ दिया, और वे क्या कहलाए, खर्जी है वो कहलाए। यानी ये अली की बात हो रही। अली है वो थोड़ा आक्रामक तरह का प्रवृत्ति का व्यक्ति था, और अमीर लोगों का है वो एक तरह से क्या कर रहा था, जो मक्का के अमीर वर्ग थे जिन्होंने मोहम्मद साहब को एक तरह से वहां से निकाला, उनके है वो विरोध में ये काम करने का कर रहा है। और दूसरा क्या कर रहा है, मुसलमानों में एक तरह से वो दरार डाले, चूंकि आयशा के नेतृत्व वाले गुट हैं वो अपने आप को अली को एस्टेब्लिश करने ही दे रहे, और जब उसको सही तरह से व्यवस्था चलाने नहीं दे रहे खलीफा को, तो उसने क्या किया कि आयशा को है वो ऊंट की लड़ाई में है वो पराजित कर लिया। और बाद में अली ने जो दूसरा सिफिन का युद्ध किया था उत्तरी मेसोपोटामिया में, उस युद्ध को भी है वो बाद में संधि के द्वारा समाप्त करता है। लेकिन इस समय जो इस्लाम के अनुयायी लोग थे वे हैं वो दो तरह से हैं, दो धड़ों में विभाजित हो गए थे, एक तो उनके वफादार वाला और दूसरा है वो विरोधी वाला। तो ये एक जाकर व्यवस्था हमारे निकल कर आई कि साहब है वो वास्तव में आगे जाकर किस तरह से है वो खलीफा का एक जो अली करके व्यक्ति आता है, जिस समय इस्लाम के अंतर्गत एक तरह से वो दरार उत्पन्न होती है और इस्लाम है वो दो भागों के अंतर्गत है वो विभाजित हो जाता है। तो यहाँ पर है वो चीज हमने पढ़ी, मोटे तौर पर आप देखोगे किस तरह से है वो हमारे खलीफा के शासन का है वो उदय हुआ, मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई, और मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद में है वो साहब खलीफाओं की है वो व्यवस्था उदय हुई, और खलीफा का जो उद्देश्य था वो मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद में उनके सिद्धांतों को आगे बढ़ाते हुए एक तरह से है वो इस धर्म को, इस समाज को है वो आगे चलाया जाए, और मोहम्मद साहब की नीतियों के ऊपर है वो संगठित होकर चलाया जाए। और उसके लिए हमने खिलाफत की संस्था है वो गठित की, और खिलाफत की संस्था है वो मुसलमानों को एक करके आगे साम्राज्य चलाने का काम है वो करेगी। अबू बकर करके आए पहले, और अबू बकर ने क्या किया कि जो कबीले उनके विरोध में जो खड़े हुए थे उन कबीलों को है वो अबू बकर ने उनको है वो समाप्त करने का काम है वो किया, ताकि दोबारा है वो उनके सामने ये स्थिति है वो नहीं पनपे, तो अबू बकर के द्वारा किया गया। फिर हमारा जो खलीफा आया उमर है, और उमर है वो उमा की सत्ता में विश्वास करता था, उसने कहा कि साहब उमा का ज्यादा से ज्यादा विस्तार करना है तो हमें भारी मात्रा में क्या करने पड़ेंगे, संसाधन है वो खर्च करने पड़ेंगे, और संसाधन तो हमारे पास है वो कम है। और उन्होंने कहा कि ये टैक्स के द्वारा, कर के द्वारा इतनी चीज तो प्राप्त नहीं हो रही है, तो क्या किया जाए, तो इन्होंने कहा कि साहब क्यों नहीं बाइजेंटाइन और ससानी साम्राज्य के ऊपर वो धावा बोल दिया जाए। और उस समय देखेंगे बाइजेंटाइन साम्राज्य वो ईसाई धर्म का है वो पोषक है, बाइजेंटाइन साम्राज्य है वो कौन सा है, वहां पर ईसाई धर्म है वो चल रहा, और जो ससानी जो साम्राज्य था वो ईरान में है चल रहा है, वहां पर जो धर्म है हमारा वो है आपका जरथुस्त या जरथुस्त कहो या जरथुस्त कहो एक ही बात है, तो वो धर्म, तो इनसे है वो आगे जाकर उमर है वो उलझने का काम इनसे है वो करता है। आगे हमारा जो खलीफा आएगा वो आता है उस्मान, और उस्मान ने वो एक तरह से मध्य एशिया के क्षेत्रों के ऊपर नियंत्रण बढ़ाने शुरू कर दिए, और नील और ऑक्सस नदी के क्षेत्र तक है वो इस व्यक्ति ने क्या क्या एक तरह से अपना शासन स्थापित करने का काम है वो उस्मान जैसा व्यक्ति कर रहा है। नील और ऑक्सस नदी के भूभाग को अपने अधीन करके खलीफा के शासन को है वो आगे बढ़ाने का, विस्तारित करने का काम है वो उस्मान कर रहा है। फिर हम देखेंगे कि इसके बाद में जो हमारा अगला जो खलीफा आया था, और साथ ही साथ इसने जो खलीफा के लिए एक तरह से प्रशासनिक ढांचा है वो लागू किया, और जो एक तरह से दावों में जो चीज मिल रही थी वहां से जो संपत्ति मिल रही थी लूट में उनके द्वारा है वो एक तरह से विस्तार की नीति है वो अपनाई, और प्रशासनिक ढांचा मजबूत किया। के साथ खलीफा खलीफा के अधीन प्रांत बना दिए गए, और प्रांतों के ऊपर है वो गवर्नर बैठा दिए गए, और बिने वो प्रांतों को कबीलों में विभाजित किया, और कबीलों का जो मुखिया है वो अशरफ था, कबीलों का मुखिया वह है एक तरह से व्यवस्था स्थापित करेगा, और ज्यादातर जो सैनिक रखे थे वो इसने कूफा और बसरा के शहर में वो रखे थे।
फिर अली आया, अगला जाके चतुर्थ व्यक्ति है वो अली आता है। और अली है वो ज्यादातर है वो धनी संपन्न लोगों के अमीर वर्ग के हैं, वो विरोध में था और जिसने मुसलमानों में एक तरह से दरार डालने का भी काम है वो किया। आगे जाकर के मोहम्मद साहब की पत्नी आयशा को भी ये ऊंट की लड़ाई में पराजित करता है। फिर सिफीन का जो युद्ध होता है और उसमें है वो इसके अनुयायी है वो दो धड़ों में जाके विभाजित हो जाते हैं, एक तो इसके विरोध में हो गए और दूसरे ज्यादातर लोगों ने है वो क्या किया था, साथ है वो छोड़ दिया। ये एक अली जैसा व्यक्ति है जो व्यवस्था को एस्टेब्लिश करने का काम है वो कर रहे हैं। अब आगे जाकर गृह युद्ध की और स्थिति है वो पनपेगी। आगे जाकर के हैं उम्मेद वंश की है वो सत्ता स्थापित होगी और जो राजतंत्र के अंतर्गत है वो उम्मेद वंश क्या कर रहा है, विश्वास कर रहा है। और उम्मेद वंश है वो एक तरह से धर्म को राजनीति में तब्दील कर देता है और पूरी तरह से राजतंत्र कायम करेगा और खलीफा के रूप में खुद को अपने आप को एस्टेब्लिश करें वो करेगा। खलीफा का पद साथ में वो शासक का काम भी है वो कर रहा है, राजनीति का काम कर रहा है। तो आगे उम्मेद वंश है वो करेगा। उम्मेद वंश की बाद में है वो देखेंगे अब्बासी खलीफा का है वो पद आता है, क्योंकि मुस्लिम धर्म में है वो अन्य लोग आप देखोगे कि अब्बास करके जो व्यक्ति हुए थे वो पैगंबर मोहम्मद साहब के चाचा हुए थे, तो पैगंबर मोहम्मद साहब के जो चाचा अब्बास हुए थे तो अब्बास के धड़ा वाले लोग हैं वो आकर अपने आप को आगे जाके खलीफा का पद स्थापित करते हैं और कहेंगे कि साहब वास्तव में है वो इस्लाम के मूल तो मौलिक लोग तो हम हैं, ये बाकी तो सब खलीफा वगैरह बनाए हुए हैं जो कि पैगंबर मोहम्मद साहब का चाचा तो कौन हूं मैं हूं, ऐसा है वो अब्बास ने कहा। उनके नेतृत्व में आगे जाकर के अब्बासी खलीफाओं की शासन व्यवस्थाएं वो लंबे समय तक स्थापित होगी और फिर अब्बासी शासन खलीफाओं के विरोध में वो एक अरब क्रांति जाके होगी। किस तरह से है वो अरब लोगों के अंतर्गत है वो सुधार हेतु बड़ी व्यवस्था स्थापित होने का काम है वो कर रही, तो उसके ऊपर है वो आगे हम अगली क्लास में वो चर्चा करेंगे। इस प्रकार आज की हमारी क्लास है वो यहीं पर संपन्न हुई। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।